नीमच के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तपोभूमि पर 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भाजपा के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद पवन पाटीदार ने अपने उद्बोधन में स्वतंत्रता के पावन अवसर पर जिले वासियों को बधाई देते हुए कहा कि भारत में आध्यात्मिक, आर्थिक, सामरिक, सामाजिक और कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस अवसर पर काबीना मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, जनपद अध्यक्ष शारदा मदन धनगर, स्वाति चोपड़ा, हेमंत हरित, महेंद्र भटनागर, संतोष चोपड़ा, मीना जायसवाल, हेमलता धाकर, योगेश जैन, रामचंद्र धनगर, सुनील किलोरिया, सुखलाल पवार, ललिता ग्वाला और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज 77 का स्वतंत्रता दिवस है, अमृत महोत्सव देश मना रहा है और कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज भारत देश के उन वीर सपूतों का, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उन सब राष्ट्र भक्तों का जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उनके सपनों का भारत बनने की दिशा में आज भारत देश कदम बढ़ा रहा है, इसलिए उन सभी मायनों में भी आज स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण भी है। और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर यहाँ पर मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे सम्मानीय विधायक जी दिलीप सिंह जी परिहार, सम्मानीय सज्जन सिंह जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व और सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी आज यहां पर झंडा वंदन और राष्ट्रगान और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करी है। और मैं आपके माध्यम से पूरे जिले वासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।